अजमेरपुर ग्रीष्मोत्सव मेला व छिंज कमेटी भराड़ी की तीसरी व अंतिम सांस्कृतिक संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में व्यवसायी व समाजसेवी रामचंद्र बरूर ने शिरकत की तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में थाना प्रभारी भराड़ी राजेश वर्मा भी उपस्थित रहे। मेला कमेटी के प्रधान करतार सिंह चौधरी व समस्त कमेटी ने मुख्य अतिथि रामचंद्र बरूर का स्वागत किया तथा आए हुए विशिष्ट अतिथियों को भी सम्मानित किया। करतार सिंह चौधरी ने सांस्कृतिक संध्या में आए जनसमूह का स्वागत किया व मेले को सफल बनाने के लिए भी बधाई दी। उन्होंने मेले के इतिहास के बारे में भी जानकारी दी। वहीं मुख्य अतिथि रामचंद्र बरूर ने मेला प्रधान व कमेटी को सफल आयोजन की बधाई दी। वहीं इसके साथ ही उन्होंने मेले के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए कहा कि सरकार से इस मेले को जिला स्तरीय करने की बात भी कही जाएगी ताकि मेले के स्वरूप को और बढ़ाया जा सके। इस कार्यक्रम में उन्होंने मेला कमेटी को 11,000 की धनराशि भी दी। तेरे रश के कवर चिकनी चमेली यूपी बिहार लूटने आई तेरी आंखों का काजल ये गाने पूनम शर्माइक ने गए। गानों पर अजमेरपुर ग्रीष्मोत्सव की सांस्कृतिक संध्या में पंडाल में पहुंचे लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया। रिंकू बरपगा ने भी हिंदी व पंजाबी गानों पर सबका मन मोह लिया। उसी के साथ अंतिम सांस्कृतिक संध्या के स्टार कलाकार दिलीप सिरमोरिया ने पंडाल में आते ही धूम मचा दी। उन्होंने पानी री टांकी मैं निकला गड्डी ले के ईसा करा दिया लंबरा हो नाटी सिर मोरा वाली है उसके बाद एक के बाद एक पहाड़ी नाटी गाकर लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया। हिमाचल प्रेस न्यूज़ के लिए बिलासपुर कुठेड़ा से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट।